जब आप लोग इंस्टाग्राम की स्टोरी को लगाते हो ना तो गाइस आप एक से ज़्यादा फोटोज मतलब नहीं ऐड कर सकते हो, मतलब कि गाइस जब आप लोग इंस्टाग्राम स्टोरी में अपने फोटोज को लगाते हो तो एक दो तीन मतलब आप ऐसे कुछ करके इंस्टाग्राम स्टोरी में नहीं लगा पाते हो, एक से ज़्यादा फोटो नहीं लगा पाते हो। लेकिन गाइस आज की इस वीडियो को देखने के बाद गाइस आप इंस्टाग्राम में मल्टीप्लाई फोटो को ऐड कर पाएंगे, मतलब लाइक कुछ इस तरह से गाइस आप मल्टीप्लाई फोटो को ऐड कर पाएंगे ये वीडियो देखने के बाद। तो गाइस वीडियो एंड तक जरूर देखना गाइस, आप किस तरह से मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप मल्टीप्लाई फोटो को ऐड कर पाओगे अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के अंदर। गाइस अगर आप अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के अंदर गाइस मल्टीप्लाई फोटो को ऐड करके लगाते हो तो गाइस आपका मतलब कि आपका इंस्टाग्राम के स्टेटस का एक प्रोफेशनल लुक लगता है। एंड गाइस जो देखता है आपका स्टेटस को लगता है ये बंदा थोड़ा प्रोफेशनल स्टेटस लगाता है ना, आपका फॉलोअर्स भी बढ़ सकता है। तो गाइस वीडियो एंड तक जरूर देखना गाइस। चलिए मैं आपको ले जाना मोबाइल की स्क्रीन पर, एंड मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाने के बाद ही आपको बताऊंगा किस तरह से इंस्टाग्राम में मल्टीप्लाई फोटो को ऐड कर सकते हैं। तो उससे पहले गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और गाइस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आपको ले जाना मोबाइल की स्क्रीन पर। गाइस फाइनल हम आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। एंड गाइस आपको करने के गाइस वीडियो को ध्यान से देखना है तो गाइस आपको सिंपल है प्ले स्टोर के अंदर चल जाना है। गाइस मैं प्ले स्टोर से आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली गाइस आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम सर्च कर लेना है। एंड गाइस जैसे आप इंस्टाग्राम सर्च करोगे तो गाइस आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन आ जाएगा। एंड गाइस आपको करने के गाइस सिंपली गाइस इंस्टाग्राम लाइट हो गया तो गाइस मुझे यहाँ पर इंस्टाग्राम सर्च कर लेना है। एंड गाइस इंस्टाग्राम सर्च करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर सिंपली अपडेट कर लेना है। तो गाइस मैंने सुबह को ही अपडेट कर लिया है, मेरा पहले से भी और एक अपडेट आ गया तो मुझे अपडेट करने का ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली आपको क्या करना है गाइस, सिंपली आपको चल जाना है बैक। एंड गाइस बैक जाने के बाद गाइस आपको करने के गाइस मैं आपको दिखाता था कि किस तरह से आप मल्टीप्लाई फोटो को ऐड कर सकते हो। तो गाइस सिंपली आपको क्या करना है गाइस, आपको सिंपली यहाँ पर चल जाना है। एंड गाइस आपको जहाँ पर स्टेटस लगाना है स्टोरी को चल जाना है। एंड गाइस वहाँ पर गाइस आपको क्या करना है मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ, तो आपको गाइस वीडियो ध्यान से जरूर देखना। देखिए गाइस मेरा मोबाइल जो थोड़ा मतलब कि प्रॉब्लम कर रहा है, तो गाइस मुझे ले लेना है कुछ भी फ़ोटो में, चलिए यहाँ से ले लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे गाइस मुझे यहाँ पे एक फ़ोटो मिल गया है। एंड गाइस मैं यहाँ पे एक तो सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। एंड गाइस नीचे करने के बाद फिर से गाइस आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे गाइस सेलेक्ट कर लेना है। एंड गाइस यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा गाइस प्लस वाला, गाइस आपको यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना है। एंड गाइस यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद गाइस फिर से आपको कोई भी मतलब फोटो को आप ले सकते हो यहाँ से। एंड गाइस यहाँ से फोटो कोई भी फोटो को लेने के बाद गाइस आप गाइस इसको आप यहाँ से गाइस मल्टीप्लाई फोटो करके ऐड कर सकते हो। तो गाइस लाइक कुछ आपको इस तरह से मतलब कि मल्टीप्लाई फोटो को ऐड कर सकते हो। तो आई होप कि गाइस आपको ये मतलब टॉपिक आपको अच्छा लगा गाइस, वीडियो को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना और यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार बाय।